सही में मस्त, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। पापा भी फ्रेम में आ गए, साथ से धीरे धीरे घाट भर चुका है। आज एक और स्पेशल डे है, काजू का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे काजू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज है छठ महापर्व का छठा दिन और आज है सुबह का अर्घ। तो अभी बज गए हैं सुबह के 3:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं अपने घाट पे जाने के लिए। तो रेडी हो मोनी? हाँ। और गाइस, आपको लग रहा होगा कि हम लोग सेम ड्रेस पहन के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा मुंडन संस्कार है। और काजू, तुम रेडी हो? हाँ चलो। तो हम लोग बताने वाले थे कि हम सारे भाई बहनों ने ड्रेस क्यों लिया है। तो इसीलिए लिया था कि हमारा आज मुंडन होने वाला था और काजू छोटी ने भी ड्रेस लिया है। तो काजू का ड्रेस आप लोग बताइए कैसा है। तो काजू, तुम्हारा ड्रेस तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा, मस्त है सही में मस्त, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। तो अब सुबह के अर्घ के लिए डलिया सहता रहा है और मोनू इसमें डलिया सहत रहा है। हेलो गाइस, देखो कितना मेहनत कर रहा हूँ। डलिया सहना भी एक आर्ट काम है, सबसे नहीं हो पाता है, ये सबसे बारीक काम मुझे सौंपा गया है, सोचिए। तो दोस्तों, मोनू डलिया लेके निकल चुका है और साथ में छोटी और पापा गए हैं। A few moments later, हम लोग निकल चुके हैं घर से। अभी बज रहे हैं 4:21 और हम लोग जा रहे हैं घाट पे सुबह के अर्घ के लिए। हम लोग घर से जल्दी ही निकलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने कम लोग जा रहे हैं। अभी वही लोग जा रहे हैं जो डाला लेकर जाते हैं, जो व्रत करती हैं, जो पवनैतिन होती हैं, वो थोड़ी देर बाद जाती हैं। पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ ना घाट पे भीड़ हो जाती है, तो हम लोग वहाँ पे जगह ऑक्यूपाई करके रखते हैं ताकि हम लोगों को अर्घ देने टाइम दिक्कत ना हो, नहीं तो पीछे जाके खड़ा रहना पड़ता है और धक्का मुक्की होती है। दोस्तों, हम लोग घाट पर पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ बहुत कम ही लोग आए हैं। मेरे साथ आए हैं मेरे पापा और ये मेरा भैया, और अभी बहुत कम ही लोग घाट पर आए हैं। ये घाट धीरे धीरे फुल हो जाएगा और पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी आपको। मेरी दीदी और मम्मी लोग पीछे से आ रही हैं, वो लोग बहुत धीरे धीरे चलती हैं कछुए की रफ्तार से, और हम लोग चलते हैं खरगोश की रफ्तार से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और वो लोग आ ही रहे हैं। दोस्तों, हम लोग डलिया पे अगरबत्ती जलाएंगे, मोनू भैया जला रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कल पश्चिम की तरफ दिशा करके ये सब सूप रखा गया था और आज जो है पूरब की दिशा में रखा गया है, क्योंकि सूर्य जो है पूरब से उगते हैं और पश्चिम से डूबते हैं। तो इसीलिए कल पश्चिम की तरफ मुंह करके सूप को रखा गया था और आज पूरब की तरफ करके रखा गया है सबका सूप। आप लोग देख सकते हैं। मोनू भैया क्या कर रहे हो? दिया जलाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, दिया जल चुका है, यहाँ पे लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। ये तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने सूप पर अगरबत्ती और दिया जला लिया है। और दोस्तों, ये तब तक जलता रहेगा जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता। A few moments later, दोस्तों अभी मैं भैया का फोटो खींच रही थी और पापा भी फ्रेम में आ गए साथ में फोटो क्लिक करवाने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। दोस्तों, आप पवनैतिन भी आने लगी हैं जो पवनी कर रही हैं छठ पूजा का। तो वो वाला कपूर बुझ गया था, अब मोनू भैया दूसरा कपूर जला रहा है। कपूर पे ही कपूर, कपूर पे ही कपूर डाला जा रहा है। मोनू भैया, आज सूर्योदय कितने बजे होगा? आज सूर्योदय का टाइम बेगूसराय में 6:06 में है एंड पटना में 6:10 है। बहुत सारे लोग घाट पे आ चुके हैं और बहुत सारी पवनैतिन भी जो छठ पर्व कर रही हैं। लेकिन कछुए की चाल वाले अभी तक नहीं आए हैं, हम लोग बहुत 3 से यहाँ बैठे पड़े हैं। उजाला हो चुका है और अभी बज रहे हैं 5:49 और बहुत सारे लोग घाट पर आ भी चुके हैं और घाट देख सकते हैं आप लोग जैसा कि भर चुका है। मोनू भैया कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं।
हम लोग बहुत पहले यहाँ आ गए थे। ये देखिए दोस्तों, मोनी दी आ गई है, भैया आ गया है, मोनी दी भी आ गई, ये मेरी दी आ गई और ये काजू दीदी भी आ गई है। हेलो बोलो दोनों, हेलो बोलो, ऐसे करो। दोस्तों सोनी दी भी आ गई है, सोनी दी हेलो बोलो। मोनू भैया भी, अब हम लोग सब आ चुके हैं। दोस्तों मम्मी जा रही है पानी में नहाने के लिए। A few moments later, सूर्योदय होने लगा है और बहुत सारे लोग डलिया उठाने लगे हैं। मम्मी सूप उठाने लग गई है, ये देखिए दोस्तों। सुबह के अर्घ के टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। मोनू भैया मम्मी को सूप देते हुए भगवान को जल जल ढारेगी। ये देखिए दोस्तों, मम्मी सूर्य देवता को अर्घ दे रही है। मम्मी सूप उठा चुकी है, अब घाट पूज रही है। घाट ठेकुआ से पूजा जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी मम्मी घाट पूजा कर रही है और उसके बाद यही उठा के प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो मोनी दीदी ले रही है प्रसाद, मैंने भी ले लिया है, अब इसको दुपट्टा में बांध लेंगे। तो सोनी दी सबसे पहले मम्मी को प्रणाम कर चुकी है, अब मोनी दी प्रणाम करेगी। दोस्तों मोनू भैया कह रहा है मैं सबसे पीछे हो गया। मोनू भैया कैसा लग रहा है आपको आशीर्वाद लेके? मजा आ गया, एकदम जबरदस्त लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आज एक और स्पेशल डे है, काजू का बर्थडे भी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों सुबह का अर्घ खत्म हो गया है, हम लोग अभी घर जा रहे हैं क्योंकि घर पे कुछ सामान हम लोग भूल गए हैं, वही लाना है। और भैया कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं अभी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस यही बोलेंगे कि सामान भूल गए, चलो जल्दी जल्दी लाना है, बस बात तो सही है। तो देखिए ये उगता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है। अभी बज रहे हैं 6:45। ये देखिए दोस्तों उगते हुए सूर्य की लाली कितनी सुंदर लग रही है। A few moments later. दोस्तों जो भी सामान लेना था हमने ले लिया है और अभी हम लोग बाइक से जा रहे हैं वापस घाट पे और वहाँ मुंडन होगा, तो हम लोग आपको दिखाएंगे। गाइस मेरा टकला टकला फेस देखोगे आप लोग, फर्स्ट टाइम मेरा नया लुक।